कुछ दोस्त कई हजार साल पुराने माया सभ्यता के मंदिर में अपने दोस्त को खोजने जाते हैं जो कई दिनों से गायब था, पर गांव वाले मंदिर में जाने से रोकते हैं और गाइड को मार देते तो सभी दोस्त डरकर मंदिर के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये डरे हुए हैं क्योंकि नीचे गए तो गांव वाले इनको मार देंगे और ये लोग यहां है इसके बारे में किसी को नहीं पता। यहां नेटवर्क भी नहीं है, न ही इनके पास खाना और पानी है। इनको ऊपर अपने दोस्त की लाश पौधों में लपटी मिलती है। कुएं से फोन की रिंग सुनाई देती है जिसे देखने मैथिस जाता है, पर रस्सी टूटने से गिरकर उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। इसके बाद टेसी नीचे जाती है पर कूदने से उसका भी पैर टूट जाता है। यहाँ उन्हें एक लाश और मिलती है। फोन के रिंग की आवाज पौधों के फूल निकाल रहे थे। डरकर सब सो जाते हैं। जब सुबह जागते हैं तो देखते हैं कि टेसी के जख्मों के जरिए पौधे उसके अंदर घुस गए हैं, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। वही पौधों ने मैथिस के पूरे पैरों को खा लिया था। ये लोग समझ चुके हैं कि ये पौधे बहुत खतरनाक है, जो इंसानों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें मार डालते हैं। अगली रात ये पौधे मैथिस को भी मार देते हैं।